नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। है माँ दुर्गा, जो भी इस वीडियो को लाइक एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। और सुबह के समय मित्रों, आपको हम इस वीडियो में कुछ ऐसे कार्य बताइए जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको सुबह उठकर इन कार्यों को आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप इन कार्यों को करती है तो माँ लक्ष्मी पर आप जो भी इस वीडियो को लाइक एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। और सुबह के समय मित्रों, आपको हम इस वीडियो में कुछ ऐसे कार्य बताइए जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको सुबह उठकर इन कार्यों को आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप इन कार्यों को करती है तो आप पर मां लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा होगी। इसलिए महायुद्ध टीवी चैनल आपसे अनुरोध करता है, प्लीज वीडियो को आप पूरा ही देखें, क्योंकि जो इस संसार को चल रही है वह जगत जननी मां सरस्वती एवं मां लक्ष्मी ही है, जो इस संसार पर आज भी राज कर रही है। और जिस व्यक्ति को धन की कामना होती है उसे धन प्रदान करती है एवं उनकी सभी मनोकामनाएं भक्तों की मां दुर्गा एवं मां लक्ष्मी अवश्य ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। साथ में यह मनोकामनाओं के लिए पूर्ण करने वाली माता की मानी जाती है। चलिए मित्रों, हम आपको विशेष रूप से आज की वीडियो में बता देता हूँ कि आपको सुबह उठकर कौन से कार्य अवश्य ही करना चाहिए और कौन सी करें फुल कर भी नहीं करना चाहिए। सुबह उठते ही भूल कर भी ना देखें ये चीजें, पूरा दिन हो सकता है बर्बाद। दिन की बेहतर शुरुआत के लिए कुछ नियम बनाने जरूरी होते हैं। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सफलता और खुशहाली बनी रहती है। वहीं इन नियमों का पालन न करने पर मनुष्य का जीवन चिंताओं से घिर जाता है। आइए जानते हैं मित्रों, आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार वो कौन से काम हैं जो सुबह उठकर नहीं करने चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि सुबह सुबह ऊर्जा का स्तर सर्वाधिक होता है। आमतौर पर लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में कई छोटी छोटी गलतियां करते हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही उबासी लेने लगते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा देखना बेहद पसंद है। मित्रों, इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं, इसके अलावा कई घरों में हिंसक पशु या जंगली जानवरों की पेंटिंग लगी हुई होती है, जिस पर सुबह उठते ही घर में रहने वाले लोगों की नजर पड़ती है। बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं, इस कारण कुछ लोग बच्चों के कमरे में बंदर या टॉम एंड जेरी या मिकी एंड डोनाल्ड की तस्वीर लगा देते हैं। आमतौर पर कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को साथ सुला लेते हैं और सुबह उठते ही उनका मुंह देख लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि बच्चों के या आपके जीवन पर इन सबके कार्यों का क्या प्रभाव पड़ सकता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार कई ऐसे कार्य होते हैं जो सुबह उठकर नहीं करने चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सुबह उठकर वास्तु के अनुसार देखना वर्जित है। वास्तु कहता है कि सुबह उठकर अपनी या किसी अन्य की परछाई बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। अगर आप सूर्य दर्शन के लिए निकल गए और अपनी परछाई पश्चिम दिशा में देख ली जबकि सूर्य पूरब से उगा है, तो इसे वास्तु के अनुसार राहु का संकेत कहा जाता है। ऐसे में पश्चिम दिशा की ओर परछाई देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे जीवन ऐसे व्यक्ति के, और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे में उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि उसे पर जो भी आप दिन वह घर से निकल रहे थे, तो आपको उसे दिन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कुछ अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए आप उसे दिन भूल कर भी घर से बाहर ना ही निकले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मित्रों, साथ में हम आपको बता दें कि सुबह सवेरे कभी झूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो माता बहन अपनी बर्तनों को रात को ही साफ कर नहीं सोती है, उनका जीवन भी एक तरह से सो जाता है, यानी कि उनका भाग्य भी सो जाता है। इसलिए माता बहन को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह बर्तनों को साफ कर ही सोना चाहिए, क्योंकि वस्तु में इसे बहुत ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव माना जाता है कि उसे घर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है
और उसकी घर के ऊपर बहुत सारी तांत्रिक शक्तियों अपने आप ही माध्यम में आ जाते हैं, इसलिए आपको भूलकर भी हमारी माताएं बहने को इससे बचना चाहिए, यानी कि एक तरह से उन्हें खाना बनाने के बाद जब सब लोग खाना खा ले तो बर्तनों को विशेष रूप से साफ कर किचन में रख दिया चाहिए। गंदे बर्तनों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि उन्हें साफ करके रख देना चाहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे। अगली वास्तु के बारे में भी अब हम जान लेते हैं। वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही एकदम से टॉयलेट का कमोड नहीं देखना चाहिए, इसमें राहु का वास होता है और आपका दिन भी उसे टाइम अच्छा नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ऐसा देख लेता है तो उसके दिल में उसके दिल धीरे धीरे खराब ही होते रहते हैं और उसके जीवन में फिर कोई अच्छा फल नहीं आता। इसलिए इन छोटी बातें आवश्यक है, पर इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। यह बात है जो हम भी आपको बता रहे हैं। यह बातें आप 3 लोगों को या फिर जितने चाहे उतने लोगों को अवश्य ही शेयर करें, क्योंकि महायोग टीवी चैनल का यह संकल्प है हर एक व्यक्ति तक महायोग भी चैनल की जानकारी फ्री माध यम से पहुंच सके। वास्तु के अनुसार कहते हैं कि सुबह सवेरे कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही आईना देखने से रात भर की सभी नकारात्मकता आईने से आपको प्राप्त होती है, इसलिए आपको यह कार्य फोटो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नेतृत्व आपको बता दे कि जो आईना होता है यह हमें सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा ही दिखता है, इसलिए हम रात को सो जाते हैं तो हमारा चेहरा इधर उधर भी हो जाता है। इसलिए आपको सुबह उठकर भूलकर भी अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर आप अपना चेहरा देखना भी चाहते हैं तो आप एक बार पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से पानी से धो दे, उसके बाद आप चेहरे को जरूर देख सकते हैं। पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि आप बिना मुंह की कांच में अपने चेहरे को आप देखने लगे। ऐसा आपको फुल कर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, आपको बता दे कि सुबह उठते ही जंगली जानवरों की तस्वीर देखना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा सुबह उठते ही अपने पालतू जानवर की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति की चीजों को देख लेता है तो उसके जीवन में भी अशोक माना जाता है और उसके जीवन में फिर कोई कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए आपको इन चीजों को देखने से भी परहेज करना चाहिए। मित्रों, आपको बता दे कि वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही हथेलियों के दर्शन करें। हाथ के हथेलियों में घनश्याम, सरस्वती और लक्ष्मी का वास होता है। हथेलियों को ही कमल कहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करें। अब भगवान का नाम लेकर हथेलियों को चेहरे पर मल लें, फिर अपने दिन की नई शुरुआत के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद जल पिएं और सूर्य के दर्शन करें। सूर्योदय से पहले उठने वाले लोग अगर चंद्रमा निकला हुआ है तो उसके दर्शन कर सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि सुबह उठकर आपको कौन से कार्य अवश्य ही करना चाहिए और किन चीजों को आपको अवश्य सुबह उठते ही आपको अवश्य ही देखना चाहिए, जिससे कि आपके घर में बरकत हो। साथ में आप पर माँ लक्ष्मी जगत जननी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे एवं आपके घर में धान का आगमन एवं आपके घर में एक बार ऐसी कृपा हो जाए माँ लक्ष्मी की, जिससे कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, तो वह उपाय भी हम आपको बताने वाले। इसलिए वीडियो को आप लाइक एवं महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। चली वह भी हम आपको बता देते हैं। सुबह आंखें खुलने के पहले व्यक्ति जाग जाता है, जागने के बाद आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही मस्तिष्क भी धीरे धीरे जागने लगता है। यह समझना जरूरी है कि जिस तरह सूर्योदय के पहले उजाला होने लगता है और फिर बाद में सूर्य दिखाई देता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति को पूर्ण चैतन्य होने में वक्त लगता है। ऐसे समय में उसका मस्तिष्क संवेदनशील होता है। ऐसे में कुछ सावधानियां रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को सेट होने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। ऐसे समय में हमें कौन से कार्य करना चाहिए, आओ जानते हैं। नींद से जागते ही आप एकदम से आंखें न खोलें।
धीरे धीरे आँखें खोलें और यह सुनिश्चित करें कि आँखें खुलते ही आपको अच्छी तस्वीर के दर्शन हो या आप सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में दैवीय शक्तियां निवास करती हैं। अत हमारी सुबह यदि शुभ दर्शन और शुभ कार्यों के साथ शुरू होगी तो संपूर्ण दिन भी शुभ ही होगा। अच्छा ये है कि आप अपने बेडरूम में अच्छी तस्वीरें लगाएं, सुगंधित वातावरण रखें। बिस्तर छोड़ते ही हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अत जो भी स्वर चल रहा हो उसी साइड का पैर निकालकर उठें। उठने के कम से कम एक घंटे तक चुप रहें और इस दौरान शौचादि से मुक्त होने का कार्य ही करें। यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो शौचादि से मुक्त के बाद ये कार्य करें या प्रार्थना करें या भजन सुने। दरअसल हम जब सो रहे होते हैं या सोकर उठ रहे होते हैं तो वह काल संधि का काल होता है, जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त या जैसे रात और दिन या दिन और रात जहां मिल रहे होते हैं उसे संधि कहते हैं। ऐसे काल में हमारा मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील होता है। ऐसे में यदि वह सकारात्मक बातें ग्रहण करता है तो जीवन में सकारात्मक घटनाएं ही घटती हैं, लेकिन यदि वह लगातार नकारात्मकता ग्रहण करता है तो जीवन में नकारात्मकता ही घटित होती है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन कामों के बारे में सोचें जो आपको प्राथमिक रूप से करना है। इस आदत से आप सबसे जरूरी कार्य को निपटाने की क्षमता साहिल करेंगे। जीवन में सफलता हेतु सबसे पहले वही कार्य करना चाहिए जो आपने जीवन में खास है। आंख खुलते ही आप किसी का भी चेहरा देखने से बचें, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति, पशु या अन्य का जिसे देखकर आपके मन में अचानक से बुरे भाव आते हो या आपको अच्छा न लगता हो। जो लोग देर से सोते हैं वे देर से ही उठते हैं या उन्हें मजबूरीवश देर से सोना और जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे लोगों की सेहत दिन ब दिन गिरती जाती है जिसका उन्हें पता नहीं चलता। वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनके संबंधों पर भी गहरा असर होता है। ऐसे में जरूरी है कि सुबह उठकर शौचादि के बाद 5 मिनट का ध्यान करें या अपने इष्ट देव की पूजा या प्रार्थना करें। इसके बाद ही कोई दूसरा कार्य करें। इसके साथ ही वे अपने खानपान पर ध्यान दें। सुबह उठते ही अखबार पढ़ने या टीवी देखने से भी मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सुबह उठते ही किसी गाँव या पशु का नाम नहीं लेना चाहिए, विशेषकर बंदर, कुत्ता या सुअर का नाम तो कभी नहीं लेना चाहिए। सुबह टीवी पर कभी भी लड़ाई झगड़े, रोने धोने वाले सीरियल न देखें। इसी तरह रात को सोने से कुछ समय पूर्व भी ऐसा न करें। सुबह उठते ही झगड़े नहीं और न ही गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी भी बेहतर की आशा न करें। सुबह उठकर घर में या दफ्तर जाकर लोगों से कठोर भाषा में बात न करें, अच्छे शब्दों का उपयोग करें। मित्रों, अगला कार्य यह है कि आजकल लोग सुबह उठते ही कंप्यूटर या मोबाइल से चिपक जाते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। उनकी सेहत और संबंध खराब होने लगते हैं, साथ ही समय प्रबंधन भी गड़बड़ा जाता है। सुबह उठते ही कुछ लोग शौच जाए बिना या बिना मंजन किए भोजन करना शुरू कर देते हैं जो कि बहुत ही गलत है। इससे सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिना शौच जाए खाने से पहले की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती और बिना मंजन किए खाने से रात भर की मुंह की गंदगी और पेट में चली जाती है। सभी कार्यों से मुक्त होने के बाद सुबह कम से कम 15 मिनट के लिए योगासन, एरोबिक्स, कसरत, साइकिलिंग या मॉर्निंग वॉक करें। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य ही बताएं। साथ में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा हर एक नागरिक तक पहुंचाएं, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलती है। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद मित्रों। इस वीडियो को अपने पूरा देखा इसके लिए महायोग टीवी चैनल आपको तहे दिल से धन्यवाद करता है।